मेरे पाकिस्तानियों, आपको खुशखबरी सुनाता हूं। कोशिश कर रहे थे काफी दिनों की कि जो हमें आते साथ ही बोझ पड़ गया हमारे पे कि हमने कर्जों की किस्तें वापस करनी थी, कर्जे जो हमारी पहले हुकूमतों ने लिए हुए थे, आते साथ ही हमारे ऊपर बोझ पड़ गया। कर्जों की किस्तें वापस करनी थी, अगर वो ना करते तो डिफॉल्ट में चला जाना था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज था नहीं और हमें मुश्किल ये थी कि अगर हम ये जल्दी कर्जे नहीं लेते तो आगे अगर डिफॉल्ट होता तो आगे मुल्क को नुकसान पहुंचना था, तो प्रेशर था। अल्लाह का शुक्र अदा ये करता हूं कि हम जो कोशिश कर रहे थे, हमें एक जबरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं हम, और उस पैकेज की वजह से हमारे ऊपर बोझ उतर गया। प्रेशर क्या था कि या हम सीधा आईएमएफ के पास चले जाते, अगर हम आईएमएफ से ज्यादा कर्जा लेते उसका नुकसान हमारी पब्लिक को होना था, क्योंकि फिर आईएमएफ जब ज्यादा पैसे आपको कर्जा देते हैं तो वो शरायत ऐसे लगा देती हैं जिससे आवाम को तकलीफ पहुंचती है, महंगाई हो जाती है, आगे ही महंगाई है, जो पुराने कर्जे लिए हुए हैं इतनी देर के उसका ही प्रेशर है आवाम के ऊपर, और मुझे पूरा एहसास है कि आज आवाम के ऊपर क्या गुजर रही है। तो अगर हम सीधा ही आईएमएफ के ऊपर चले जाते इनकी कर्जों की किस्तें अदा करने के जो ये पिछली हुकूमतों ने लिए हुए हैं, तो और मजीद आवाम पे बोझ पड़ जाना था। इसलिए कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्जे लें और कम से कम हम आईएमएफ से कर्जा लें। अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हुए। सऊदी अरेबिया से एक जबरदस्त पैकेज मिल गया हमें और उसकी वजह से इंशाल्लाह अब हमें उम्मीद यह है कि आईएमएफ से हम जब कर्जा लेंगे भी तो वो हमें इतना ज्यादा हमारे पर बोझ नहीं पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको और भी खुशखबरी सुनाऊंगा, हमारी और भी दो ममालिक से बात हो रही है और इंशाल्लाह उनसे हमें इसी तरह का पैकेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वो अगर मिलता है तो हमारे ऊपर ऐसा बोझ होगा कि इंशाल्लाह हम अपनी आवाम के ऊपर, और मुझे सिर्फ फिक्र ही है जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, जो आगे ही महंगाई में पिसा हुआ है, मुझे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उनके ऊपर हम बोझ ज्यादा नहीं डालेंगे, और उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं कि हम क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं कि हम कम से कम इस अपने बोझ डालें अपनी आवाम के ऊपर, वो मैं आपके ऊपर बाद में आता हूं। मैं एक और आपसे आज खास बात करना चाहता था कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह सालिस का किरदार अदा करें। ये जो यमन में लड़ाई हो रही है जिससे सारी मुसलमान दुनिया को तकलीफ है, तो हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अब से सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं दो मुल्कों में ये लड़ाई खत्म करने के लिए, और इंशाल्लाह मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ये सारे इलाकों के अंदर जो ये झड़पें हो रही हैं आपस में, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा करें। ये आगे इंशाल्लाह जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे इस चीज के ऊपर तो मैं आपको इसके ऊपर भी इंशाल्लाह खुशखबरी दूंगा। अब जो मुझे थोड़ी सी तकलीफ है वो ये कि जो दो जमातों ने पिछले 10 साल में इस मुल्क पे हुकूमत की और जो वो कर्जा लेके गए, ये मेरे सामने है कर्जे का ग्राफ, 30 अरब 1971 में पाकिस्तान का कर्जा था, 1971 में टोटल कर्जा पाकिस्तान का 30 अरब था। मंगला डैम बनी, तरबेला डैम बनी, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बने, 60 की दिहाई में पाकिस्तान सबसे तेजी से ऊपर गया, तो टोटल कर्जा था 30 अरब रुपया। 2008 में कर्जा गया 30 अरब से, 1970 की 30 सालों में, 40 सालों में 2008 में कर्जा गया 6000 अरब, 30 अरब से 6000 अरब, और पिछले 10 सालों में 6000 अरब से 30000 अरब पे पाकिस्तान का कर्जा गया। अब ये जो जमातें बार बार कह रही हैं कि जी हुकूमत फेल हो गई, ये सब इकट्ठी हो रही हैं, हुकूमत मुल्क में पता नहीं क्या नुकसान कर दिए इन्होंने दो महीने के अंदर, 10 सालों में जिन्होंने इस मुल्क के ऊपर
6,000 अरब से 30,000 अरब पे कर्जा चढ़ाया है, उनको शर्म नहीं आ रही ये बातें करते हुए? ये उस दौर में, ये जरा दूसरी चीज देखें, ये सर्कुलर डेट, गर्दशी कर्जे बिजली के। अब ये सोचें कि 2013 में 480 अरब रुपया पाकिस्तान का गर्दशी का था, सर्कुलर डेट थी बिजली की। 2009 में 230 अरब, 2009 में 230 अरब से गई 480 अरब 2013 में, और 2013 में हुकूमत ने 480 अरब का कर्जा दिया और आज कर्जा है 1200 अरब। 1200 अरब रुपए का आज हमारे ऊपर कर्जा छोड़ के गए, 30,000 अरब वो, 1200 अरब ये। इसके अंदर ये हुकूमत वर्कर्स का वेलफेयर फंड भी खा गई, 40 अरब रुपया वो भी बीच में खा गई। उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने 1200 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के गई है, पंजाब गवर्नमेंट 57 अरब रुपए के चेक साइन कर गए जिनमें पैसा ही नहीं है, जो बाउंस कर गए, वो भी 40 अरब रुपए का कर्जा खा गए हैं वर्कर्स का प्रोविडेंट फंड। स्टील मिल में वर्कर्स के पैसे खाए गए हैं। यानी इन लोगों ने जो किया है मुल्क से 10 सालों में, आज ये खड़े हो गए जमहूरियत बचाने के नाम पे, और सब इकट्ठे हो रहे हैं कि जी पता नहीं मुल्क में कौन सी दबाई आ गई। अभी तो हमने किया कुछ नहीं है, हमारी तो पॉलिसीज अभी आगे लोगों को पता चलेंगी। अभी तो जो ये नुकसान करके गए हैं, हम वो उस बोझ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हम वो चीजें ठीक कर रहे हैं जो इन्होंने 10 साल में इस मुल्क के ऊपर तबाही मचा के गए हैं। और ये सब इकट्ठे हो रहे हैं फैसला करने के लिए सिर्फ एक वजह से, इनको पता है कि ये क्या करके गए हैं, ये प्रेशर क्या डाल रहे हैं, सिर्फ एक प्रेशर है। इन सारों को पता है कि ये जब हम 30,000 अरब रुपए का ऑडिट करवाएंगे कि पैसा किधर गया, इन सबको पता है कि इसमें करप्शन इनकी सामने आएगी। उस करप्शन को बचाने के लिए ये हम जी जलसे जुलूस करने के तैयार हैं, असेंबलियों में पंजाब असेंबली तोड़, जो हरकतें पंजाब असेंबली में की हैं कुछ डेमोक्रेट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि किसी तरह हम इनको NRO दे दें। जनरल मुशर्रफ ने दोनों जमातों के लीडर्स को NRO दिए, अब कोशिश ये है कि प्रेशर डाल के हमारे से NRO ले लें। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं आज, आप सब कान खोल के सुन लें। आपने सड़कों पे आना है, हम आपको कंटेनर देने के लिए तैयार हैं, बशक आके वहां डी चौक पे कंटेनर लगा लें, हम बल्कि आपको खाना भी पहुंचा देंगे। आपने असेंबलियों में करना है, जो भी खुल के करें, जो मर्जी आपने करना है आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि NRO नहीं मिलना मैंने लगा, किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। जब तक हम इस मुल्क में करप्शन के ऊपर हाथ नहीं डालेंगे, मैं फिर से दोहराता हूं, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारे ऊपर ये जो सारे कर्जे चढ़े हैं, ये कर्जे चढ़े इसलिए हैं कि यहां मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये जो बैंक अकाउंट्स में फलूदे वाले के पास 2.5 अरब रुपया, तो किसी मरे हुए आदमी के नाम बैंक अकाउंट में 2 अरब रुपया, कोई छाबड़ी वाले के पास करोड़ों रुपया, ये किधर से आ रहा है पैसा? ये आपका पैसा चोरी हो रहा है। ये चोरी होता है इन अकाउंट्स में, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का पैसा चोरी होकर अकाउंट्स में जाता है, वहां से निकल के मनी लॉन्ड्रिंग होकर मुल्क से बाहर जाता है। यहां डॉलरों की कमी होती है, हमें बाहर से पैसे लेने पड़ते हैं, मुल्क के लीडर्स को बाहर जाना पड़ता है कर्जे लेने के लिए, क्योंकि यहां से डॉलर्स ये चोरी करके बाहर ले जाते हैं। और ये फिर समझते हैं कि ये थोड़ा सा हमें डराएंगे धमकाएंगे और हम किसी तरह इनको छोड़ देंगे, हम इनको NRO दे देंगे, क्योंकि पहले जनरल मुशर्रफ ने प्रेशर में आके दे दिए थे। कोई किसी किस्म का NRO इसलिए नहीं मिलेगा कि ये होता है वो मुल्क जो अपने मुल्क में करप्शन बर्दाश्त करते हैं। कौम मकरूज हो जाती है, सारा जो बोझ पड़ेगा इनके कर्जों का वो अवाम के ऊपर पड़ेगा। अवाम पे कैसे पड़ेगा? महंगाई के जरिए। कर्जे वापस करने हैं, किधर से हम कर्जे वापस करेंगे? टैक्स लगाएंगे लोगों पे, चीजें महंगी करेंगे, उससे
गुर्बत और बढ़ जाएगी। ये साइकिल चल रहा है पाकिस्तान में, छोटा सा तबका अमीर हो रहा है, अवाम गरीब हो रही है। ये साइकिल तोड़ने के लिए एहतसाब होगा, और एहतसाब मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो मर्जी कोई कर ले, हमने इंशाल्लाह इस मुल्क में एहतसाब करना है। अभी तो, और अभी तो कोई हमने हमारे ऊपर जो कह रहे हैं कि ये केसेस तो सारे पुरानी गवर्नमेंट्स के हैं, हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, हम तो अभी ऑडिट कर रहे हैं, ये जो कर्जे चढ़ाए हुए हैं इनकी ऑडिट हो रही है, हम पता चला रहे हैं कि पीआईए का 400 अरब रुपए का कर्जा पीआईए पे चढ़ गया, रेलवे पे कितना, स्टील मिल बंद पड़ी है, 350 अरब रुपए का कर्जा, हम तो अभी पता चला रहे हैं, इन सारी ऑडिट कर रहे हैं इन इदारों में हुआ क्या है, अभी हमने तो किया ही कुछ नहीं है। ये तो पुराने नैब के केसेस इनके ऊपर है, जिसके ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अपनी कौम से मैं ये कहना चाहता हूं, आपको किसी फिक्र बिल्कुल ना करें आप, लोग घबरा जाते हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, ये हो गया जी, रुपया गिर गया, कोई मुल्क बुरे वक्त से गुजरता है। मैं फिर से कहता हूं, जब हम करप्ट लीडर को, लीडरशिप को बर्दाश्त करते हैं, जब हम करप्शन को बर्दाश्त करते हैं, उस कौम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है बदकिस्मती से, और बदकिस्मती से गरीब लोग ही उस कीमत को अदा करते हैं। तो हम पहले तो करप्शन, इसके ऊपर अभी भी अल्लाह का शुक्र है, आप हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में देख रहे थे, पाकिस्तान में करप्शन नीचे आ गई है और इंशाल्लाह अभी और नीचे आएगी। दूसरी चीज, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हम हाथ डाल रहे हैं पूरी तरह, मैं खुद मीटिंग्स ले रहा हूं कि इस मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए, हम मजबूत कर रहे हैं अपने अदारे, हर चीज कर रहे हैं कि इस मुल्क में जो पैसा चोरी होकर बाहर जाता है वो रोके जाए, हम अपने एक्सपोर्टर्स की मदद कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम अब इस मुल्क में एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, उनके फायदा करवा रहे हैं, उनके लिए उनको कंपेटिटिव करवा रहे हैं, एक्सपोर्टर के लिए वन विंडो ऑपरेशन करेंगे, इन्वेस्टर्स के लिए बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सारे वो अभी कदम उठा रहे हैं, वन विंडो ऑपरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हर चीज जो इन्वेस्टर को आसानी पैदा करे, सरमायाकारी हो सके, ताकि नौकरियां मिल सके लोगों को, वो इंशाल्लाह कर रहे हैं। हम रिमिटेंसेस डॉलर लेने के लिए जो हमारे बाहर लोग काम करते हैं, और ये भी आज मुझे खुशी है कि सऊदी अरेबिया में मैंने खुद बात की उनकी गवर्नमेंट से कि जो हमारे जो वहां काम करते हैं मजदूर मेहनत कश लोग, उनके ऊपर ज्यादा बोझ पड़ा हुआ था, हमारे ऊपर वीजा की फीस थी, वो मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरे कहने पर कम कर दिया, तो उनके लिए भी हम आसानी, अब ये जो हमारे लोग बाहर बैठे हुए हैं इनके लिए हम आसान तरीके दे रहे हैं इनको कि ये जो पैसा बाहर से भिजवाएं ये बैंकिंग चैनल से आए, और इंशाल्लाह उससे भी हम अपने डॉलर रिजर्व्स बढ़ा देंगे जो पहले से, और अब मैं इंशाल्लाह आप देखेंगे इंक्रीज हो जाएगी। हम एक हाउसिंग जो हमारा सबसे बड़ा जो, और जो मैं खुद ओवरसी कर रहा हूं, हमने 50 लाख घर बनाने हैं पाकिस्तान में, ये हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव है, इससे डायरेक्टली 40 इंडस्ट्रीज इससे उठ जाएंगी, साथ साथ जब घरों की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी 40 इंडस्ट्रीज उठ जाएंगी, नौकरियां पैदा होंगी, आम नौजवानों को बिजनेस करने का, कंस्ट्रक्शन में जाने का मौका मिलेगा, हमारे बहुत से बाहर पाकिस्तानी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक्सपर्ट्स हैं वो वापस आ सकेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे इंशाल्लाह हाउसिंग के अंदर, और ये हमारा मेन प्रोग्राम है। उसके बाद एक मैं स्पेशल पैकेज आने वाले दिनों में अनाउंस करूंगा कि हम कैसे अपने निचले तबके के लिए गुर्बत कम करने के लिए हम क्या क्या कदम उठा रहे हैं, एक सेफ्टी नेट यानी जो निचले तबके की मदद करने के लिए हम कौन कौन सी अब चीजें, वो पूरा पैकेज इंशाल्लाह वो मैं आने वाले दिनों में आपके सामने रखूंगा। जो मैं आप सबसे चाहता हूं कि आपने सिर्फ एक काम करना है कि ये समझ जाना है कि हमें थोड़ी देर के लिए ये मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने ये कर्जे, ये जो सारा बोझ पड़ा हुआ है कर्जों का, हर इदारा नुकसान कर रहा है, रेलवे, पीआईए, और नुकसान बढ़ते जा रहे हैं, ये सारे इदारों को ठीक करने में तकलीफ होती है। मैं आपको इस तरह समझाऊं कि जब किसी को कैंसर होती है तो जब वो कैंसर को ऑपरेशन करके निकालते हैं तो तब तकलीफ होती है, लेकिन फिर मरीज ठीक हो जाता है, इंसान ठीक हो जाता है। पाकिस्तान को भी हमने करप्शन की कैंसर, जिसने हमें मकरूज कर दिया, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है, वो करप्शन की कैंसर जब निकाल रहे हैं तो
तो थोड़ा तकलीफ होगी माशरे को, ये समझ जाए कि थोड़ा मुश्किल वक्त होगा, लेकिन जो अल्लाह ने इस मुल्क को दिया है, जो मैं अभी दो महीने में जो मेरी सारी मुलाकातें हुई हैं बाहर, जो मैंने देखा है, ये मुल्क को अल्लाह ने वो चीजों से नवाजा है, ये बड़ी तेजी से उठेगा। सिर्फ और सिर्फ हम यहां करप्शन जब रोक देंगे, बाहर से लोग तैयार बैठे हैं इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी वो तैयार बैठे हैं इस मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या यहां वो माहौल है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि पहले इन्वेस्टमेंट के लिए आते थे तो हर कोई पैसा मांगना शुरू हो जाता था, वो जाके यहां बजाय पैसे दुबई में इन्वेस्ट कर देते थे या वो मलेशिया चले जाते थे। हम इस मुल्क में वो इंशाल्लाह माहौल बना रहे हैं कि बाहर से लोग यहां पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इंशाल्लाह ये वो मुल्क होगा, और ये है मेरी विजन, ज्यादा दूर नहीं है वो वक्त कि हम इंशाल्लाह लोगों को कर्जे दिया करेंगे बजाय हम लोगों से जाके कर्जे मांगे अपने मुल्क के लिए।